बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कीमा के साथ स्प्रिंग रोल्स। मैंने सॉस पैन में आधा कप तेल डाला है। इसमें हम दो ओनियन दरमियाने साइज़ के बड़ी काट के डालेंगे और दो टेबलस्पून जो है वो हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हीट को हम मीडियम हाई पे रखेंगे। प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई करके इसमें कीमा डाल देंगे। मैंने 1.5 kg जो है वो कीमा लिया है। अब इसको चम्मच से कोशिश करें कि जितनी जल्दी अलग-अलग हो सके हो जाए, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अब इसमें कटे हुए दो टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्चें डाल दें। डालने के बाद इसको साथ साथ मिक्स करते जाएँ। अब इसमें 1 teaspoon हल्दी डालेंगे, 1 tablespoon धनिया पिसा हुआ, 2.5 teaspoon साथ साथ मिक्स करते जाएं। अब इसमें 2 teaspoon पिसी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और इसके साथ ही 1 tablespoon कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हल्का सा भून लें। एक टीस्पून जीरा डाल दें, मिक्स करें इसको। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1 cup पानी डाल दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। इसमें आपने आग जो है वो आपके मीडियम हाई हीट पे होनी चाहिए, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, तो हम आग को थोड़ा हाई पे ही रखेंगे। कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो इसको हल्का सा भून लें। अब इसमें मैंने 1.5 cup जो है वो कॉर्न डाली है, फ्रोज़न है, और इसके साथ ही 1.5 cup मटर डाल देंगे, ये भी मैंने फ्रोज़न ही डाले हैं। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको ढांप के पकने दें, ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और ये गल जाएं।
पकने के बाद इनको ठंडा होने दें। इसके बाद इनको बाउल में ट्रांसफ़र करें। अब मैंने वन एंड हाफ कप इसमें श्रेडेड कैरेट डाली है। और इसके साथ ही वन कप जो है वो मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है सुर्ख रंग की। वन एंड हाफ कप ही हम इसमें कैबेज डालेंगे, ये भी श्रेड की हुई है। और एक कप जो है इसमें हम सब्ज़ शिमला मिर्च डालेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम स्प्रिंग रोल को असेंबल करना शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने रेडीमेड शीट्स ली हैं। इनको डैम्प पेपर टॉवल के साथ कवर करके रखें ताकि ये खुश्क ना हो। और अब हम असेंबली शुरू करते हैं। आप फिलिंग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको सील करने के लिए मैं अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने फ्रीज़ नहीं करने, मैंने आज ही बनाने हैं। आप लोगों ने अगर फ्रीज़ करने हैं तो इसको आटे की लई बना के उसके साथ सील कीजिएगा। इसी तरह से तमाम रोल्स को असेंबल कर लें। मेरे इस फिलिंग से 50 रोल बने हैं। आइए अब इनको फ्राई करते हैं। हीट को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। गोल्डन ब्राउन होने पे निकाल लें। हमारे स्प्रिंग रोल्स रेडी हैं। रेसिपी ट्राई करने के बाद बताइएगा आपको कैसी लगी।